हेलो स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा पार्ट बाकी है विच इज फेज डायग्राम। चलिए वो डिस्कस करते हैं। फेज और स्टेट, ये वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। एक्चुअली जनरली हम जब बात करते हैं स्टेट्स की, तो स्टेट्स तो हम तीन ही काउंट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट्स की हम बात करते हैं, तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। लेकिन ये जो फेज वर्ड है ना, ये थोड़ा ब्रॉड है। फेज जो वर्ड है थोड़ा और ब्रॉड है, बिकॉज जो फेज वर्ड होता है उसमें दो तरह के चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं बात करता हूं स्टेट चेंज, अगर वर्ड यूज किया जाए स्टेट चेंज, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड कुछ भी कन्वर्ट हो रहा होगा, वो है स्टेट चेंज। लेकिन अगर फेज चेंज की हम बात करें, तो फेज चेंज इंक्लूड्स बोथ स्टेट चेंज एज वेल एज एलोट्रोपिक चेंज। एलोट्रोपिक चेंज मतलब क्या हुआ इसका? ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट अगर डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या स्टेट चेंज हो रही? स्टेट चेंज नो, स्टेट चेंज नहीं हो रही है। लेकिन फेस चेंज हो रही, क्योंकि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो स्टेट में चेंज हुआ, लेकिन फेस चेंज हो रहा है क्योंकि ये अलग अलग एलोट्रॉप्स है, तो स्टेट चेंज यस। तो अगर एलोट्रोपिक फॉर्म भी चेंज हो रही, तो वहां पर हम बोलते हैं फेस चेंज हो रहा है, चाहे वो दोनों ही स्टेट सॉलिड्स ही क्यों ना हो, ये भी सॉलिड, लेकिन फिर भी इसे हम बोलेंगे फेस चेंज हो रहा है। यहां पर ये फेस चेंज हो रहा है लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो राइट डाउन, तो खैर हम ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं जहां पर कोई एलोट्रॉप्स नहीं है। मेनली हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की ही बात करें। स्पेशली यहां पर जो हम फेज डायग्राम प्लॉट करने जा रहे हैं वो है वाटर का। वाटर के फेज डायग्राम की हम बात करेंगे। अब क्या होता है ये फेज डायग्राम देखते हैं। तो ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच का कर्व होता है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कैसे प्लॉट किया जाता है? तो इसको ऐसे सोचिए कि एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में हमने एक पिस्टन लगा दिया, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया H2, और अब हमने इस पर कोई प्रेशर P और टेम्परेचर T हमने इस पर अप्लाई कर दिया। किसी प्रेशर P पर है, टेम्परेचर T पर है। अब किसी प्रेशर टेम्परेचर पर वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी वो हम यहां पर शो कर रहे हैं। तो हमने अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई किया और देखा कि वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है, तो हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट्स यहां पर मिले। इधर कुछ इस तरह से आता है, ये एरिया सॉलिड, ये एरिया है लिक्विड और ये एरिया है गैस। क्या मतलब है, थोड़ा सा भी इसे समझते हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, इसका मतलब वो देखते हैं। लेट्स से आपने 1 एटमोस्फेयर प्रेशर लगा रखा है, आपने 1 एटमोस्फेयर प्रेशर लगा हुआ है वहां। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 एटमोस्फेयर प्रेशर पर वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो और किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही है। अगर T1 टेम्परेचर है तो कुछ और होगा, T2 टेम्परेचर है तो कुछ और होगा, T3 टेम्परेचर है तो फिजिकल स्टेट कुछ और होगी, वो फिक्स नहीं होगी, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। T1 टेम्परेचर पर वो सॉलिड स्टेट में, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको देखना। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट सॉलिड वाले एरिया में आया तो सॉलिड होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट लिक्विड वाले एरिया में तो लिक्विड होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट गैसेस वाले एरिया में है तो वो गैसेस फेज में होगा वाटर। तो ये हमें क्या बता रहा है, एक फेज डायग्राम हमें क्या बता रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो लिखिए यहां पर सबसे पहले,
ऑफ सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये फिजिकल स्टेट बताता है कि वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, किस स्टेट में होगा, वो बताता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, और क्या बताता है, केवल इसके अलावा भी बहुत कुछ बताता है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। आई थिंक सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट की वैसे एक नहीं दो डेफिनेशन होती। अभी मैं एक लिखूंगा फिर दूसरी बात में इसी के एंड में हम लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, वो टेम्परेचर जहां पर दोनों एग्जिस्ट करें उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से आप मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। इवन सब्लिमेशन पॉइंट पर आप कह सकते हो कि सॉलिड और गैस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन पॉइंट, ये इनकी डेफिनेशन आप कह सकते हो। इवन यानी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, कुछ अमाउंट लिक्विड कुछ अमाउंट गैस। इसको आप मैथमेटिकली इन केस ऑफ वाटर की मैं बात करूं तो जिस टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम पर है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। कुछ अमाउंट लिक्विड फॉर्म में होगी, कुछ अमाउंट गैसेस फॉर्म में होगी, तो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। यहां पर हम अगर कोई ऐसा टेम्परेचर लें, पर्टिकुलरली इस टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं, इस टेम्परेचर की T4 ले लेता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट यहां आ रहा है। इसका मतलब क्या हो, यहां पर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये T4 टेम्परेचर क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये T5 टेम्परेचर क्या हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट। यस, इस लाइन पर अगर पॉइंट आता है, इस लाइन पर अगर पॉइंट आता है तो वो सब्लिमेशन पॉइंट होगा, क्योंकि यहां पर सॉलिड और गैस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर ये ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, इस कर्व को मैं लिख देता हूं ओ ए, ये ओ बी और ये ओ सी। तो ये ओ ए कर्व आपको क्या बता रहा है, ओ ए कर्व, ओ ए कर्व हमें क्या बता रहा है, वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विथ एक्सटर्नल प्रेशर। यस, ये बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ये एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर पर ये डिपेंड करता है। तो यहां से ये 1 एटमोस्फेयर पर आया। अगर लेट से आपको 2 एटमोस्फेयर पर बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, 2 एटमोस्फेयर पर लाइन ड्रॉ करोगे, ये 2 एटमोस्फेयर की लाइन होगी और ये पॉइंट यहां पर, यहां पर। तो ये जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आप किसी और प्रेशर पर करना है, ये पॉइंट यहां से फिर यहां पर। तो ये जो कर्व है ओ ए कर्व, यहां ये आपको क्या बता रहा है, वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विथ एक्सटर्नल प्रेशर। ये पी जो बाहर आपने प्रेशर लगा रखा है। ओ बी कर्व ये क्या बता रहा है आपको, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड ओसी कर्व हमें क्या बता रहा है, वेरिएशन ऑफ सब्लिमेशन पॉइंट। ओ ए ओ बी ओ सी कर्व, ठीक है। इवन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देते, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो मैंने ओबी कर बनाया, ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल दिखती है यहां पर, तो फिर भी मैंने स्लोप दिखा दिया, स्लोप थोड़ा दिखाया ताकि आपको लगे, बट चाहो तो आप इसे ऑलमोस्ट वर्टिकल बना सकते हो। ये कितनी वर्टिकल है इसका एक आइडिया मैं आपको देता हूं, उसके लिए पहले तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट की बात करें,
जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, इसे बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट, जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। ऐसा किस प्रेशर टेम्परेचर पर होता है? तो ये प्रेशर आता है 4.58 mm और ये टेम्परेचर होता है 273.16 kelvin। यानी अगर वाटर इस प्रेशर जो कि 1 atmosphere से बहुत कम है, 1 atmosphere होता है 760, ये 760 से बहुत कम है, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट हम कहते हैं, यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एग्जिस्ट करेगी, यानी कुछ अमाउंट सॉलिड में, कुछ लिक्विड में, कुछ गैसेस फॉर्म होगा। एक चीज मैं यहां पर बता दूं, ये सब कुछ जो आप सोच रहे हो वो कैसे सोचोगे, एक कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन पर एक्सटर्नल प्रेशर है, ये कंटेनर जो है पिस्टन लगा हुआ होना चाहिए, इस पॉइंट को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट, जहां पर तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर रहते हैं। नाउ ये तो बात होगी ट्रिपल पॉइंट। फर्दर जैसा भी मैंने कहा, ये लाइन कितनी ज्यादा वर्टिकल है ये कैसे पता चलता है? तो 1 atmosphere जिसे हम क्या कहते हैं 760 mm, और 1 atmosphere पर हम सबको, 1 atmosphere पर हमें पता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो या मेल्टिंग पॉइंट, कितना होता है 273.15। वाई एक्सिस पर आप 4.58 mm से कहां चले गए 760 mm, अप्रोक्सीमेटली 180 टाइम्स या समथिंग जो भी कह सकते हो, यहां पर हार्डली चेंज कितना हुआ 0.01, यानी ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल है, वर्टिकल। इसलिए हम कहते हैं प्रेशर चेंज करने पर बॉइलिंग पॉइंट तो अच्छा खासा चेंज होता है, सब्लिमेशन पॉइंट भी अच्छा खासा चेंज होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा चेंज नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन इसका क्यों वाला कोई क्वेश्चन नहीं, बट जनरली जहां सॉलिड्स और लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं केवल, वहां पर प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होता है, अगर गैसेस इन्वॉल्व होती तो वहां पर प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, और सिंस मेल्टिंग पॉइंट में केवल सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है तो इसीलिए प्रेशर का इफेक्ट बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, और आगे हम बहुत जगह पर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट पर जनरली बात होती है ना, प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है वो 273 के आस, हम वैसे ही 273 लेते हैं, 0.15 को तो हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जब भी आप बात करोगे प्रेशर मेंशन करना होता है। हम जितने भी बॉइलिंग पॉइंट के डेटा यूज करते हैं ये सब 1 atmosphere पे है, ये सब 1 atmosphere के होते हैं, यानी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये जो वर्ड हम सुनते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ही क्या होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट एट 180। ठीक है, तो जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, ये टर्म पहली बार आई है, फेज डायग्राम क्या होता है ये सब हमें पता होना चाहिए, तो वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी, कौन सा कर्व हमें क्या बता रहा है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, देन देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हम यहां से डिस्कस करने जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की मैंने कहा था एक और डेफिनेशन होती है, दो डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इवन जैसे अभी हमने डिस्कस किया था 1 atmosphere पर 373 kelvin वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कब है, जब बाहर का प्रेशर 1 atmosphere होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जब बाहर का प्रेशर 1 atmosphere होता है और इस पर ये पानी वेपराइज होता है, और 373 पर वाटर का वेपर प्रेशर भी 1 atmosphere होता है, वेपर प्रेशर भी 1 atmosphere होता है,
यानी ये पानी वेपराइज होगा कब तक, जब तक अंदर का प्रेशर 1 एटमोस्फेयर नहीं हो जाता। जैसे अंदर का प्रेशर 1 एटमोस्फेयर हुआ, बाहर का भी 1 एटमोस्फेयर, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। अब आप चाहो तो दोनों डेफिनेशन यूज कर सकते हो, यहां पर ये पिस्टन मूव नहीं करेगा क्योंकि बाहर का भी 1 अंदर का भी 1। टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वाटर और वाटर वेपर, इसीलिए ये बॉइलिंग पॉइंट है। सेकेंड, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। वेपर प्रेशर किसके बराबर है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अब मैं वापस यहां आता हूं, हम अगर ये करेंगे टी, जो भी ले लो T4, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये कब है, जब एक्सटर्नल प्रेशर T4, ये T4 एक्सटर्नल प्रेशर है, और बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर ही क्या होगा, वेपर प्रेशर भी होगा। यानी T4 टेम्परेचर पर ये P4 वेपर प्रेशर, इस T5 टेम्परेचर पर ये P5 वेपर प्रेशर हो जाएगा। यानी अगर यहां बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है तो ये वेपर प्रेशर, ये बॉइलिंग पॉइंट है तो वेपर प्रेशर। T2 टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है तो ये T2 टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर भी नहीं है। T2 टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट नहीं है इसलिए वेपर प्रेशर नहीं है, लेकिन T4 टेम्परेचर ये वेपर प्रेशर, ये कैसे पता चला, यहां पर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट है तो ये वेपर प्रेशर है। T4 टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर, T5 टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर है। यानी सेम OA कर्व आपको क्या बता रहा है, इस लिक्विड के वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। यानी वन मोर पॉइंट हम चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, इसको हटा देता हूं, OA कर्व tells us about variation of vapor pressure with टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा वो हमें यहां से पता चल रहा है। वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, ये कर, ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है, इनफैक्ट ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, आप कह सकते हो ये OC का भी सॉलिड का वेपर प्रेशर बताता है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सॉलिड का वेपर प्रेशर, बट सॉलिड का भी होता है, ये ना बात, वो लिक्विड से बहुत कम होता है, लेकिन जैसे कैम्फर हो गया, इनका वेपर प्रेशर अच्छा खासा होता है, सॉलिड जो रखा हुआ है वो बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाता है। तो ओसी का वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड विद टेंपरेचर, ठीक है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। फर्दर याद करो, इनिशियली जब इवन मोल कॉन्सेप्ट में हमने वेपर प्रेशर टर्म इंट्रोड्यूस की थी, तब मैंने कहा था कि ये जो वेपर प्रेशर होता है ये केवल टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। क्यों ऐसा हमने कहा था, उसको भी आप यहीं से समझ सकते, क्योंकि जो बॉइलिंग वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर क्या है, H2O लिक्विड, H2O गैस, ये जब इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर आप KP का एक्सप्रेशन लिखोगे, KP इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये तो लिक्विड अपीयर नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम पर जो वाटर वेपर का प्रेशर है उसी को तो हम क्या करें, वेपर प्रेशर, उसी को हम क्या करें, वेपर प्रेशर। यानी ये वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, केपी पर। केपी कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा। तो वेपर प्रेशर कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा। यानी वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर।
अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल अमाउंट कितनी है, लिक्विड की अमाउंट कितनी है, कंटेनर का साइज क्या है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फेज डायग्राम। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये देखिए कॉन्सेप्ट है, ये आगे चल के और भी बार बार और भी जगह आएंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट टर्म्स और भी आगे हम डिस्कस करेंगे, इसमें और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बताऊंगा इससे रिलेटेड। हाँ, बट अभी तो जनरल एप्लीकेशन वाइज की फेज डायग्राम क्या होता है, इसका एप्लीकेशन जो है वो हमें पता होना चाहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो केमिकल इक्विलिब्रियम शीट में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम यहां पर अभी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं S1 से, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, कह सकते हो। ए कन्वर्टिंग इनटू NP, ये रिएक्शन हो रही है। एक तो हमें N की वैल्यू बतानी है, वो कैसे पता चलेगी? अगर हम देखें तो A की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है वो A है, जिसकी बढ़ रही है वो B है। A की कॉन्सेंट्रेशन 0.6 से रिड्यूस होकर 0.3 हुई, यानी A के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 0.3। तब तक B के कितने मोल्स बन गए, 0.6, यानी इनिशियली हम देखें तो ये 0.6 था, इसमें से 0.3 रिएक्ट कर रहे। तो इसके अगर हम ग्राफिकली देखें तो 0.6 मोल्स बन गए, यानी 0.3 से 0.6 डेफिनेटली N की वैल्यू कितनी होती है। तो एक तो एन आ गया, दूसरा अब यहां पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो डेफिनेटली 0.6 सिंस ये 2 है कि पावर 2 और 0.3। क्वेश्चन नंबर 18, PCl5 कन्वर्टिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2, इसका K दे रखा है 10^-2 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 माइनस एक्स एक्स और एक्स। क्वेश्चन आता है क्या इस एक्स को नेग्लेक्ट कर दें, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि K/C की वैल्यू 10^-3 से बहुत ज्यादा है, तो आप इस एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 19, ऑलरेडी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m, इसकी 2 और इसकी 2, तो कह सकते हो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो होगा वो 4 होगा, 2 × 2/√। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इस कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया। वॉल्यूम जैसे ही डबल होगा कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। और ली शटलर प्रिंसिपल में हम पढ़ चुके हैं वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाती है, जिस तरफ गैसेस के मोल्स ज्यादा हो। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इस तरफ गैसेस के मोल्स 2 है, इस तरफ 1 है। या आप दूसरी तरीके से भी बता सकते हो, अब ये रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, तो क्यू निकालो, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही, 1 × 1/0.5 विच इज 2, जबकि केसी कितना है 4, क्यू इज लेस देन केसी, क्यू अगर लेस देन केसी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, 0.5 - x, 1 + x, 1 + x। KC क्या चेंज हो जाएगा, क्या वॉल्यूम चेंज करने पर, नहीं, KC में कोई चेंज नहीं होगा, KC तो वही रहेगा। x के लिए सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, ये सभी डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। डेंसिटी अल्फा KP KC इन्हीं से रिलेटेड लाइंस हैं सारे क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट मैंने आपको सब बताया भी था। क्वेश्चन नंबर कोई सा भी एक हम यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेट्स से 25, KP दे रखा है और डेंसिटी फाइंड आउट करनी। सबसे पहला काम KP से आपको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा, राइट, और 1 सिंस KP है तो इनिशियली मोल्स 1 ले सकते हैं, P।
लेकिन यहां पर पी की वैल्यू वन दे रखी, तो यहां से अल्फा निकालो। जब भी अल्फा आ जाएगा, अल्फा के बाद अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एम एवरेज। अल्फा से एम एवरेज वन माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो एम एवरेज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, सॉरी टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पीसीएल फाइव, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पीसीएल फाइव विच इज आई थिंक 208.5 अपॉन वन प्लस, ये आना चाहिए, चेक कर लेना एक बार। वन प्लस अल्फा, अल्फा पता है, यहां से एम एवरेज और एम एवरेज से डेंसिटी, पीएम इक्वल्स टू डी आर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको एम एवरेज दे रखा है, उससे अल्फा निकालो, अल्फा से केपी निकालो। अब केपी चेंज नहीं होगा, कुछ भी आप चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो तो केपी चेंज नहीं होगा। अब आपको यह बताना कि किस प्रेशर पर एम एवरेज इतना होगा, तो केपी वही रहेगा, प्रेशर किस प्रेशर पर एम एवरेज बदलेगा, तो अल्फा निकालो, केपी पता है, उससे प्रेशर निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 28 में केयरफुली देखिए, उसमें एस सॉलिड है, सॉलिड वो एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होगा, तो जो सल्फर के मोल्स दे रखे हैं उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि वो सॉलिड है, और यहां पर इसीलिए केपी की भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि यहां केपी केसी सब सेम है, डेल्टा एन जी जीरो है, तो केपी और केसी दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों यूनिटलेस है। क्वेश्चन नंबर 31 कैल्शियम कार्बोनेट के दो मोल्स है, सॉलिड CaOB सॉलिड प्लस CO2, इसके दो मोल्स दे रखे हैं, सॉरी 0.2 मोल्स, इसमें से 75% डीकम्पोज हो गया, 75% इसका डीकम्पोज हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 0.2, 100% होता तो 0.2, इसका 75% 3/4, ये क्या आ गया मोल्स, वॉल्यूम दे रखा है, उससे क्या आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, तो केसी कितना आ गया 0.2 × 3/4 / 15, केसी हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अब केसी से आपको क्या निकालना होगा, केपी, वो कैसे निकलेगा, केपी इक्वल्स टू केसी आर की पावर। क्वेश्चन नंबर 35, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, किसी भी कंटेनर में, किसी भी एयर में, कहीं पर भी, किसी मोमेंट पर जो वाटर का प्रेशर है डिवाइडेड बाय एक्वस टेंशन इनटू 100, दिस इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यूज क्या है इसका, समझते हैं इसको, तो ये एक्वस टेंशन बेसिकली वाटर का वेपर प्रेशर। अब आप एक कंटेनर में लेट से आपने पानी डाला 300 केल्विन पर, और इसका हमें पता है वेपर प्रेशर मान लेते हैं 50 mm, मान लेते हैं कितना है 50 mm। अब क्या होगा, ये पानी वेपराइज होगा, कब तक वेपराइज होगा, जब तक यहां प्रेशर 50 mm नहीं हो जाता, जैसे ही प्रेशर 50 mm होगा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, फिर कोई वेपराइजेशन नहीं होगा। अब सोचिए जब ये इक्विलिब्रियम पर आ गया, अगर मैं इसका वॉल्यूम और बढ़ा देता हूं, वॉल्यूम 1 लीटर था 2 लीटर कर दिया, क्या होगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा ऑब्वियसली यहां प्रेशर जो 50 mm था वो कम हो जाएगा, लेकिन
फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं रहेगा, ये पानी और वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा कब तक, वापस से प्रेशर जब तक 50 एमएम नहीं हो जाता, वापस से जब तक 50 एमएम नहीं हो जाता फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। ऑब्वियसली यहां लिक्विड वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, यहां लिक्विड वाटर की क्वांटिटी कम होगी, और यही अगर आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो, वॉल्यूम कम कर दिया तो क्या होगा, सडनली प्रेशर 50 एमएम से ज्यादा हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा, यानी यहां पर कंडेंसेशन होगा और वापस से प्रेशर 50 एमएम हो जाएगा। यानी लॉजिक बड़ा सिंपल है, प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से ज्यादा हुआ तो कंडेंसेशन होगा, वेपर प्रेशर से कम है तो इवेपोरेशन होगा, यानी फाइनली प्रेशर उसकी वेपर प्रेशर के बराबर रहेगा। लेकिन ये सारी बातें क्लोज्ड कंटेनर में, ये क्लोज्ड कंटेनर में। अब क्या होता है, जैसे एयर, एयर तो वास्ट है, अब यहां पर लेट से कहीं पानी है, एक एक ग्लास में लेट से पानी रखा हुआ है, क्या होगा, वो वेपराइज तो होगा, वेपर्स बनेंगी, बट वेपर से जो होता है स्प्रेड कर जाती है, तो वहां इक्विलिब्रियम नहीं आता। क्लाउड्स मूव करते हैं, क्लाउड्स में भी वाटर वेपर होती है, वो मूव कर रहे होते हैं, कहीं टेम्परेचर ज्यादा होता है कहीं टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर के कारण भी वेपर प्रेशर वेरी करता है। और वाटर का सोर्स, वाटर वेपर का सोर्स केवल वाटर ही नहीं, एनहाइड्रस कंपाउंड CuSO4.5H2, ये भी मॉइस्चर लूज कर सकते हैं, ये भी मॉइस्चर लूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन पर कह सकते हो, उस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अगर कहीं से भी वाटर वेपर आई हो, कहीं से भी वाटर वेपर आई, चाहे क्लाउड्स के थ्रू आई हो, चाहे किसी और सोर्स के थ्रू आई हो, अगर उसका प्रेशर लेट से अगर 300 केल्विन की मैं बात करता हूं, 50 एमएम से जैसे ही ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन जिसे आप रेन भी कह सकते हो, रेन कब स्टार्ट होगी, कंडेंसेशन कब होगा, जब वाटर वेपर का प्रेशर, वाटर वेपर का प्रेशर उसके एक्वस टेंशन से ज्यादा होगा। 50 एमएम इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जिसे एक्वस टेंशन कह सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम पर, एक्वस टेंशन टर्म इक्विलिब्रियम पर ही डिफाइन होती है, ये कभी भी आप किसी भी इंस्टेंट पर निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम हो या ना हो जरूरी, अगर तो अगर यहां पर ये वाटर वेपर का प्रेशर इस एक्वस टेंशन से ज्यादा हुआ, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा होगी और कंडेंसेशन हो जाएगा। यानी रेन कब होगी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा होगी। देखिए ये टर्म उनके लिए जिनको एक्वस टेंशन, वेपर प्रेशर ये समझ में नहीं आता है, उनके लिए आसान सी टर्म है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा हुई, बारिश होगी, कम है, नहीं होगी। अदरवाइज आप ऐसे भी बोल सकते हो, बारिश कब होगी, जब प्रेशर H2O का एक्वस टेंशन से ज्यादा होगा तो बारिश होगी। या इसी को मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की टर्म्स में बात करूं तो 100% से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया, ये थोड़ा और अलग है, यहां पर एक दो वर्ड्स और भी यूज हुए, एफ्लोरसेंट नेचर। एफ्लोरसेंट नेचर क्या होती है, जो मॉइस्चर लूज करता है, एफ्लोरसेंट एक और टर्म यहां पर यूज होती है, डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, NaCl वाटर, नमक जो होता है डेलिक्वेसेंट होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, CuSO4.5H2O सॉलिड, सॉरी, ये मॉइस्चर लूज करता है। हाँ, लेकिन ये भी कब तक मॉइस्चर लूज करेगा, जब तक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाता। ये सॉलिड है CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O, इसका केपी दे रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 5। नहीं, यहां पर थोड़ा अलग है, यहां पर 3H2O लिख देते हैं, कोई नहीं, 2H2O, तो यहां पर इसकी पावर 2 आ गई। इससे H2O का प्रेशर निकाल सकते हो। अब अगेन, ऑलरेडी आप एक कंटेनर में ऑलरेडी मॉइस्चर है, लेट्स एक कंटेनर में ऑलरेडी मॉइस्चर, इससे चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले, 2.25 × 10⁻⁴ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O निकालूंगा, तो आई थिंक
ठीक है, और एमएम ऑफ एच जी में करेंगे, ये एटमोस्फियर में है, एमएम ऑफ एच जी में 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 760, तो ये लगभग 736 तक, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 11.4 आ गया, ठीक है। यानी अगर आपने CuSO4.5H2 को एम्प्टी कंटेनर में पुट किया तो ये कब तक मॉइस्चर लूज करेगा, जब तक यहां पर इसका प्रेशर 11.4 mm ऑफ एच जी नहीं हो जाता, उसके बाद ये मॉइस्चर लूज नहीं करेगा। बट सोचो आपने इस कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू को ऑलरेडी ऐसे कंटेनर में डाला है, ऐसे कंटेनर में डाला है जिसमें वाटर वेपर है और उसका प्रेशर 11.4 ऑलरेडी, तो क्या ये मॉइस्चर लूज करेगा, नहीं करेगा, मॉइस्चर लूज नहीं करेगा, यानी ये एफ्लोरसेंट सब्सटेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा। यानी एफ्लोरसेंट सब्सटेंस की तरह बिहेव कब करेगा, अच्छा प्रेशर इसका 11.4 से कम होगा, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50, क्योंकि यहां पर 22.4 दे रखा है एक्वस टेंशन, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो, अगर वो 50% से कम हुई तो ये मॉइस्चर लूज करेगा, अदरवाइज ये मॉइस्चर लूज नहीं करेगा। हाँ, बहुत बार ये आता है कि सर 20% से ज्यादा हुई तो क्या अब्सॉर्ब कर लेगा, ये अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। अगर 50% से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई और आपने कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O डाला तो वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा, वो मॉइस्चर वो डेली क्वेश्चन की तरह भी एक्ट करेगा, ये डेली क्वेश्चन है, ये एफ्लोरसेंट है, ये एफ्लोरसेंट की तरह बिहेव कब करेगा, जब मॉइस्चर जो है वो 11.4 mm से कम हो, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% से कम हो। ये डेली क्वेश्चन की तरह बिहेव कब करेगा, जब मॉइस्चर 11.4 से ज्यादा हो, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% से ज्यादा हो। देन कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने आपसे कहा भी था 40 का बी का 4, बहुतों को लगता है इसका आंसर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि गिवन है प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड, इसके मोल्स कम होंगे, इसके भी कम होंगे, इसके बढ़ेंगे, लेकिन पार्शियल प्रेशर तो सभी का बढ़ेगा, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट, प्रेशर कैसे बढ़ाया, वॉल्यूम को कम करके, तो प्रेशर पार्शियल प्रेशर तो सभी के बढ़ेंगे, चाहे इसके मोल्स कम हो इसके मोल्स कम, यही क्वेश्चन 41 में भी है, 41 में भी फोर्थ पार्ट जो है 41 में बी का फोर्थ पार्ट, उसमें भी पार्शियल प्रेशर जो है वो सभी के इंक्रीज करके, किसी के भी डिक्रीज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, अमोनिया यहां पर हमने इक्विलिब्रियम पर NaOH और मिलाया, NaOH और मिलाया तो NaOH क्या देगा, OH आयन, OH आयन, यानी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, रेडिएशन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी NaOH डालने पर। HCl डालने पर क्या होगा, वो H+ आयन देगा और H+ आयन OH आयन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, यानी OH आयन कंज्यूम हो जाएंगे, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। यही पूछा है क्वेश्चन में कि किस केस में अमोनिया और ज्यादा अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड में आनी चाहिए, मतलब H+ HCl डालने पर ये और फॉरवर्ड में आएगी, जबकि NH4Cl डालने पर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, यानी इसका अल्फा और कम होगा, तो केवल HCl डालने से अल्फा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43,
यहां पर एक तो मैं आपको बता दूं, लेफ्ट साइड में भी एनए प्लस दिख रहा है, राइट साइड में और एनओ नाइट्रेट आयन दिख रहा है, तो यहां पर एनए प्लस और नाइट्रेट आयन की कोई रिएक्शन नहीं हो रही, रिएक्शन केवल एजी प्लस और सीएल आयन की हो रही है, और वो क्या बना रहे हैं, एजीसीएल का प्रेसिपिटेट। आप इधर एनए प्लस लिखो, इधर भी एनए प्लस लिखो, कोई यूज नहीं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसको आप एजी प्लस और सीएल आयन नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये प्रेसिपिटेट आउट हो चुका है कंबाइन होके, जबकि एनए प्लस और नाइट्रेट आयन की कोई रिएक्शन नहीं हो रही। बहुत बार क्या होता है, हम इन रिएक्शन को ऐसे लिख देते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3, ऐसा लगता है कि Na प्लस और नाइट्रेट आयन कंबाइन होकर NaNO3 बना रहे। नहीं है, पानी में आप NaNO3 डालते हो तो वो और आयंस में टूट जाता है, तो यहां पर तो ऑलरेडी आयंस है, क्या ये कंबाइन होंगे, नहीं होंगे। एक्चुअल में यहां रिएक्शन क्या होगी, Ag प्लस Cl कन्वर्टिंग इनटू AgCl, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तो पीछे आएगी, तो एक तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ताकि फॉरवर्ड में जाए। दूसरा, और कैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा सकती, तो सीएल आयन और ऐड कर दो, सीएल आयन ऐड करने पर भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, twice NO2 converting into N2O4, और ये जो NO2 है वो यहां पर भी रिएक्ट कर रहा है और यहां पर भी रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, N2O3 गिवन है। इसमें इनका प्रेशर, इनका जो रेशियो है 1:2 के रेशियो में है। हाँ, यहां ये बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि 1:2 किसका, मास का रेशियो है या मोल्स का, तो सारी इंफॉर्मेशन प्रेशर की टर्म्स में दे रखी, तो ये मोल्स का ही मानना होगा। तो हम मान लेते इसका प्रेशर पी, इसका 2P, अब ये NO2 कुछ N2O4 में जाएगा, कुछ N2O3 में जाएगा। मान लेते हैं यहां पर ये कितना रिएक्ट कर रहा है, X, तो इसका भी X, इसका भी X बनेगा। यहां पर ये कितना रिएक्ट करता है, Y, तो इसका कितना बनेगा, Y by 2। लेकिन टोटल NO2 कितना रिएक्ट कर गया, X यहां, Y यहां, तो कंटेनर में अब NO2 का प्रेशर जो होगा वो 2P-X-Y, 2P-X-Y होगा। ये कंटेनर के अंदर NO2 का प्रेशर होगा। अब यहां पर देखा जाए तो एक तो वेरिएबल है P, एक है X और एक है Y, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशंस चाहिए हमें। कैसे आएगी, एक तो यहां पर पहली इक्वेशन Y by 2 equals to N2O4 का प्रेशर दे रखा है 1.7, इससे Y तो आई है। दूसरी इक्वेशन टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर किस किस का होगा, NO का होगा। यहां एक मिस्टेक होती है, NO2 को हम दो बार काउंट कर लेते हैं, सो बी केयरफुल, NO2 प्लस N2O3 प्लस N2O4 ये कितना देखा 5.0 पे पुट कर दो, P माइनस एक्स प्लस 2P माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाई टू, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और अब उसके बाद एक और इक्वेशन चाहिए, KP दे रखा है, इसका KP दे रखा है 6.8, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये Y by 2 की वैल्यू 1.7 पुट कर दी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, ये 4, तो यहां से इसको सॉल्व करो तो 1/2.5 इक्वेशन। कर सकते अगेन थोड़ी प्रैक्टिस करिए, तो दिस इज अबाउट S1 के कुछ क्वेश्चन हमने किए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। पहली बार में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगे, लेकिन जब आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम करोगे तो वो टाइम अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप नॉर्मल लगने लगेगा विद प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू।